नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। तो अभी सुबह का लगभग 8 बजा हुआ है और आज दिनांक 6 जून है। मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को थोड़ी सी अपडेट दे देता हूँ NH-34 के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सब हमारे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि यह जो NH-34 पे पुलियों का निर्माण किया जाता है उसके लिए यहाँ पे सेटरिंग पड़ी हुई है। और इधर आप लोग जो सामने देख रहे हैं यहाँ पे NH-34 ने लगा, अगर आप लोगों को जानकारी लिए हम बताएं कि यहाँ से 5 किलोमीटर से कन्नौज जिला की स्टार्टिंग होती है। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि यहाँ से लेके और आप कानपुर तक चले जाएंगे, यहाँ से कानपुर कम से कम 125 किलोमीटर के आसपास का रेंज है। और यहाँ से लेकर कानपुर तक NH-34 ने अपनी 55 फुट जगह लेना शुरू कर दिया है और लगातार इसी प्रकार से NH-34 के किनारे किनारे सभी जगह समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है। और साथियों, आप लोग किस जगह से यह वीडियो देख रहे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और साथियों, आप अगर NH-34 के आसपास से ही वीडियो देख रहे हैं, आपके घर से आपके प्लॉट से NH-34 निकल रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि अभी तक आपके घर का जो पैसा मुआवजा मिलने वाला था मिला है या नहीं। तो ये देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पे जो पुलिया बनने के लिए सेटरिंग गिराई गई है, ये देखो यहाँ पे सेटरिंग पड़ी हुई है। और यहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पे पहले बहुत छोटी सी पुलिया थी, अब यहाँ पे बड़ा सा NH-34 का एक पुल साइज का एक पुल बनाया जाएगा, मीडियम साइज का पुल। और ये देख सकते हो यहाँ पे जगह जो है प्लेन हो चुकी है। और ये देखो इतनी बड़ी यहाँ पे पुलिया थी जरा सी, तो अब यहाँ पे बड़ी पुलिया बनाई जाएगी। और देख सकते हो आप लोग ये जहाँ लास्ट जगह देख रहे हैं ना, यही बिल्कुल यहीं तक NH-91 हाईवे था, वो तो अलग से साइड में कर दिया गया है। और ये सामने आप लोग जगह देख रहे हैं, यही सारी जगह NH-34 में ली गई है। तो साथियों, देख सकते हो आप लोग इस प्रकार से। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो में और आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे क्या कार्य हो रहा है। तो आप अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन का निशान आएगा उसे भी प्रेस कर लेना।